अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। भोपाल में हज के नाम पर एक बहुत ही बड़ा फ्रॉड हुआ है, ये जानकारी मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार मेरे सामने आई है। ये जानकारी आप तक पहुंचाने का मेरा मकसद सिर्फ आपको जागरूक करना है, तो ये जानकारी ज़रूर देख लें और पूरा वीडियो देखें, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दें। मामला ये है, शहर मुफ्ती ने थाने में शिकायत दर्ज कराई है। उन्होंने बताया कि उनका एक ट्रैवल एजेंट से पुराना परिचय है, वह एक ट्रैवल एजेंसी चलाता था। उसके माध्यम से वह हज यात्रा पर जाने वाले लोगों के वीजा एवं पासपोर्ट बनवाने का काम भी करता था। हज पर जाने की मंशा से उन्होंने भी उससे संपर्क किया था। उस एजेंट ने बोला कि वह उनके खाते में 5 लाख रुपए भेज दें, उसके बाद वह वीजा पासपोर्ट बनवा देगा। मुफ्ती साहब ने उसके खाते में 5 लाख रुपए भेज दिए। रुपए भेजने के 15 दिन बाद भी जब वीजा पासपोर्ट नहीं बना तो मुफ्ती साहब ने उस एजेंट से पूछताछ शुरू कर दी। इस बीच मुफ्ती साहब को एजेंट की नीयत पर कुछ शक हुआ तो उन्होंने अपने रुपए वापस मांगना शुरू कर दिए। इस पर एजेंट ने 1,01,000 रुपए ऑनलाइन वापस भेज दिए, बाकी रुपए भी जल्द लौटाने का भरोसा दिया, लेकिन बाद में उसने मुफ्ती साहब का फ़ोन रिसीव करना ही बंद कर दिया। साथ ही वह अपने घर से भी गायब हो गया। शिकायत की जांच के बाद गुरुवार रात को पुलिस ने उस एजेंट के खिलाफ 3,99,000 रुपए की धोखाधड़ी का केस दर्ज कर लिया है। इससे पहले भी कुछ लोगों के साथ हज यात्रा के नाम पर ठगी हो चुकी हैं। हज के नाम पर किसी ऐसे फ्रॉड के चक्कर में आप ना आ जाएं, इसलिए ये वीडियो मैंने आप तक पहुंचाया है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। दोस्तों, इसी बीच सऊदी अरब से एक बहुत ही बड़ी लेटेस्ट अपडेट सामने आ रही है। सऊदी अरब सरकार हज यात्रा को बेहतर करने के लिए एक के बाद एक फैसले ले रही है। इसी कड़ी में सऊदी के गृह मंत्रालय ने मौजूदा साल के हज सीजन के लिए विजिटर वीज़ा लेकर आए विदेशियों के मक्का शहर में करीब 1 महीने तक प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया है। मंत्रालय की ओर से कहा गया है कि 23 मई से ये नियम लागू हो गया है और 21 जून 2024 तक जारी रहेगा। इस दौरान विजिटर वीज़ा पर आए लोगों के लिए मक्का में प्रवेश पर प्रतिबंध रहेगा। जहां दुनिया भर से बड़ी संख्या में हाजी पहुंच रहे हैं, मंत्रालय ने सऊदी नियमों के अनुसार कार्रवाई से बचने के लिए हज के लिए बिना अनुमति के यात्रा वीज़ा धारकों से मक्का की यात्रा करने से बचने की सलाह दी है। प्रेस एजेंसी ने गृह मंत्रालय के हवाले से की गई रिपोर्ट में बताया है, विजिटर वीजा धारकों को हज करने की अनुमति नहीं है। इससे पहले सऊदी की फतवा काउंसिल ने भी हज यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए बिना परमिट के हज करने पर प्रतिबंध लगा दिया था। सऊदी के निवासियों को भी 4 मई से मक्का में प्रवेश करने के लिए परमिट दिखाना आवश्यक है। सऊदी लोगों को भी बिना परमिट मक्का में एंट्री नहीं दी जा रही है। सऊदी सरकार ने कहा है कि हज के दौरान रजिस्टर्ड तीर्थयात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए ये उपाय लागू किए जा रहे हैं। सऊदी सरकार बहुत कड़े कड़े फैसले ले रही है। ये सब फैसले हज यात्रियों की सुरक्षा के लिए ही लिए जा रहे हैं। सऊदी सरकार ने हज यात्रियों को हज अवधि के दौरान हमेशा अपना पहचान पत्र साथ रखने की सलाह दी है। अधिकारियों का कहना है कि लाखों हाजियों की सुरक्षा और बेहतर सुविधाएं मुहैया कराने के लिए ये योजनाएं लागू की जा रही हैं, ताकि दुनिया भर से आए लोग एक सुरक्षित तरीके से अपने हज अनुष्ठान पूरा कर सकें। सभी हाजियों से गुजारिश है कि वे भी इन बातों का ध्यान रखें और सभी नियमों का पालन करें। जो भी दस्तावेज दिए जा रहे हैं, उन सभी दस्तावेजों को अपने पास रखें। इस साल 2024 के हज के लिए दुनिया भर से 20 लाख से ज़्यादा मुस्लिम सऊदी पहुंचेंगे। इस हज सीजन की तैयारी में देश की अलग अलग संस्थाएँ जुटी हुई हैं। सऊदी अरब ने इस साल हज नियमों को भी सख्त किया है। सऊदी अधिकारियों ने कहा है कि बिना परमिट के लोगों को हज करने पर भारी जुर्माना चुकाना पड़ेगा। सऊदी हज मंत्रालय ने हज के सीजन के दौरान पवित्र स्थलों में एंट्री देने के लिए तीर्थयात्रियों के लिए आधिकारिक तौर पर नुसुक कार्ड लॉन्च किया है। ये नुसुक कार्ड सभी हाजियों को दिया जाएगा, ताकि फर्जी तरीके से किसी को पवित्र स्थलों में एंट्री से रोका जा सकेगा। सभी हाजियों से गुजारिश है कि इन बातों का ध्यान रखें और जो भी नियम और जो भी रूल्स बनाए जा रहे हैं सऊदी अरब सरकार की तरफ से, वे आपकी सुविधा के लिए ही और आपकी सुरक्षा के लिए ही बनाए जा रहे हैं। आप भी इन रूल्स का पालन करें और आप सही तरीके से हज करें। अल्लाह तबारक व तआला ने आपको हज करने का मौका दिया है, इस मौके का फ़ायदा उठाएँ और अल्लाह तबारक व तआला की ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करें। अल्लाह से दुआ है कि आपके हज को कबूल फरमाएँ, आपके हज सफर में आसानियां फरमाएं
और हमें भी अल्लाह तबारक व तआला हज करने की सआदतें से नवाजे। जो भी व्यूवर इस वीडियो को देख रहे हैं उन्हें और उनके वालिदैन को भी अल्लाह हज करने की तौफीक अता फरमाए। दोस्तों कमेंट सेक्शन में आमीन ज़रूर लिख देना, जाने किसकी आमीन पर अल्लाह हमारी इस दुआ को कबूल कर ले। फिर मिलेंगे एक अच्छे से वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दें। आप हमें दुआओं में याद रखें। खुदा हाफिज़।